औलिया आसमान से नहीं उतरते, और अल्लाह के वली आप लोगों में से उठते हैं। रब्बे कायनात ने फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के वली वो हैं, खबरदार बेशक अल्लाह ताला के वलियों पर ना कुछ खौफ है ना वो गमगीन होंगे। उसकी वजह यह है कि जब किसी भी मुसलमान ने कलमा पढ़ा ना जी ला इलाहा इल्लल्लाह, अब उसकी लाज रखते हुए वो ना झूठ बोलेगा, ना बेईमानी करेगा, ना धोखा देगा, ना उसकी कलम बेराह चलेगी, ना उसके कलम गलत फैसले करेंगे। उसके कलमों ने गलत फैसले नहीं करने, उसने झूठ नहीं बोलना, उसने धोखा नहीं देना, उसने बेईमानी नहीं करनी, उसने किसी को भी दुख नहीं पहुँचाना। फिर ईमान से बताओ ऐसा बंदा अल्लाह का वली है या नहीं है? ऐसा बंदा हुजूर फरमाते हैं ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, फराइज इबादत भी वो पूरी कर रहा है, लोगों के साथ नेकियां और भलाइयां भी कर रहा है। अब जिस वक्त वो मरेगा, जिस वक्त उसको मौत आएगी, तो मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं निशान मर्द मोमिन बादो गोयम चुमर्ग आयद बर तबसुम लबे उस्त। जब बंदा मोमिन मरेगा जिसने झूठ नहीं बोला, बेईमानी नहीं की, कोई धोखा नहीं किया, कोई फ्रॉड नहीं किया, किसी मुसलमान को तकलीफ नहीं पहुंचाई, जब वो मरेगा तो इस दुनिया से मुस्कुराता हुआ जाएगा। यहाँ से जब मरे, मरने के बाद उसके चेहरे पे मुस्कुराहट होगी। मैंने कई मरतबा ये नज़ारा देखा, कई मरतबा, बिलखसूस मेरे असातज़ा इकराम जो शुयूखुल हदीस थे, जिन्होंने सारी ज़िंदगी हदीस पढ़ाई, जिन्होंने कुरान पढ़ाया, मैंने अक्सर उनके चेहरों को मरने के बाद मुस्कुराते हुए देखा। उनके चेहरों की रौनक, उनकी मुस्कुराहट ये बता रही होती है कि इस बंदे ने बड़ी पुरसकून ज़िंदगी गुजारी है। मरने के बाद भी चेहरे के ऊपर एक इत्मीनान होता है, भाई चेहरे कहानियाँ कह देते हैं। जब मरने के बाद आप चेहरा देखते हैं ना जी, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है ये क्या करके गया क्या नहीं करके गया, चेहरों की कहानी बता देती है। ये मरने के बाद पुरसकून चेहरा है, मुस्कुरा रहा है या परेशान है, ये बंदा किस कैफियत के अंदर है। इसीलिए अल्लाह के हबीब ने कहा था ये अल्लाह के वली हैं, ये दोस्त हैं। और ये दोस्त कैसे होते हैं? फरमाया अक्सम अबर्रहू, अल्लाह की कसम, जब वो अल्लाह की ज़ात पर कोई कसम खा लें, अल्लाह उनकी कसमों को भी पूरा कर देता है। वो कसम कोई खा लेना ये ऐसा ही होगा, तो अल्लाह उसकी कसम की लाज रखते हुए अल्लाह उनकी कसम। और फिर बाज़ बंदों को ना जी परेशानी, हर एक वो ना जी बराबर तो नहीं है ना जी, हर एक के अंदर हर एक तबका मौजूद है, तो बाज़ लोगों को ऐसे ही अल्लाह वालों से परेशानी होती है। एमी अल्लाह वास्ते दवा है। हुज़ूर ने फरमाया मन आदाली वलीयन फ़कद आज़न्तुहु बिलहर्ब, ये बुखारी शरीफ की हदीस पाक है जी, दूसरी जिल्द और 900 इसका 63 नंबर सफ़ा है हदीस पाक, वहाँ से मैंने अर्ज़ की, जिसने मेरे वली के साथ अदावत रखी उसके साथ मेरा ऐलान है, उसके साथ मेरा ऐलान है। भलाई की चाबियाँ मैंने हदीस पाक आपको अर्ज़ की ना जी, इसी के मुताबिक सूरह तौबा की 119 नंबर आया मुबारक, फरमाया या अय्युहल्लज़ीन आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। हर एक का अपना एक नज़रिया है, हर एक की अपनी सोच है। मेरी जो मेरा अमल रहा है, मैंने आज तक किसी बेनमाजी के साथ यारी नहीं लगाई। पहला मेरा जो दोस्ती का मेयार है, मैंने किसी बेनमाजी के साथ यारी नहीं लगाई, नंबर एक। नंबर दो, जिस बंदे ने भी मेरे सामने अपने माँ बाप की बदखुई की है ना जी, मैंने उस बंदे से दोबारा बात ही नहीं की। जो बंदा अल्लाह रसूल का वफ़ादार नहीं है, जो बंदा अपने माँ बाप का वफ़ादार नहीं है, आप सोचते हैं वो आपके साथ वफा करेगा? सोच अपनी अपनी है ना जी, मेरी ये सोच है। जो बंदा अल्लाह रसूल का वफ़ादार नहीं, भाई रब्बे का जो मर्ज़ी हो जाए किबला, आप जितने मर्ज़ी फनकार आदमी हैं, ये सब मेरे रब का एहसान है, आपको सब कुछ अता फरमा रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। नंबर एक, बेनमाजी से यारी लगाओगे सिवाय जहन्नम के कुछ भी नहीं मिलेगा। माँ बाप के गुस्ताख से यारी लगाओगे, माँ बाप के साथ कोई भी, वो जितने भी तुम्हारे अच्छे ख्यालात, अच्छी वो पॉजिटिव वाइब्स हैं, वो सब ख़त्म हो जाएंगी, वो सब ख़त्म हो जाएंगी माँ बाप के। ओ भाई, जो वजह बने तेरे इस दुनिया में आने के लिए,
तो उन्हें उनके साथ ही वफा नहीं की, हमारे साथ क्या वफा करेगा, इसीलिए जाओ भाई जाओ, हम तुम्हारी दोस्ती के लायक ही नहीं। ठीक है ना जी, ये नहीं कहते कि तुम हमारी नहीं, हम आपकी दोस्ती के लायक नहीं है। अल्लाह रसूल वाले, इसलिए कुरान ने हमें ये चीज़ भी बताई, भाई दोस्ती करनी है ना तो किसके साथ करनी है। आप क्या, पिछले जुम्मतुल मुबारक में मैंने आपको अर्ज़ किया था ना जी, आप कैसे चलें ये भी कुरान ने बताया, आपके हाथ कैसे होने चाहिए, आपके बाजू कैसे होने चाहिए, आपके कदम कैसे होने चाहिए, आपकी चाल कैसी होनी चाहिए, आपकी गुफ्तार कैसी होनी चाहिए, आपका सोचना कैसा होना चाहिए, आपके दिल कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें अल्लाह ने कुरान पाक में हमें बयान की हैं। और ये दोस्ती का मेयार भी बताया, मकूनो मास सादिकिन, सच्चों के साथ होना, क्योंकि मरने के बाद फिर ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून का मामला हो, मरने के बाद तुम्हारे चेहरे फिर रौनक पर रौनक होने चाहिए, मुस्कुराते हुए इस दुनिया से जाओ। बाबा कौन कहता है कि मोमिन मर गए, कैद से छूटे वो अपने घर गए, जहां में अहले ईमा सूरत खुर्शीद, खुर्शीद कहते हैं सूरज को, जहां में अहले ईमा सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। कौन कहता है मर गए, मर गए ख़त्म हो गए फना हो गए, ओ नहीं बाबा, मौत नाम है इंतकाल करने का, और इंतकाल कहते हैं नकले मकानी करने को, इंतकाल कहते हैं नकले मकानी, एक जहान से दूसरे जहान जाने को मौत कहा जाता है। आप आलम अरवाह में थे, आप आलम अजसाम में आए, अरहाम में आए, आलम अरहाम से आलम अजसाम में आए, आलम अजसाम से हम आलम बरज़ख में जाएंगे, जिसको हम कब्र कहते हैं, आलम बरज़ख से इंशाल्लाह हम आलम माशर में जाएंगे, और इंशाल्लाह आलम माशर से आलम जन्नत में जाएंगे। ये तो ईमान वाले का एक सफ़र जारी है ना यार, पता नहीं किसने कह दिया कि मौत का मानी है, मौत का नाम है मिट जाना, ख़त्म हो जाना। नहीं नहीं भाई, आपने कुरान पाक समझा ही नहीं, आपने हदीस पाक समझी नहीं। वो ज़ात जो आपके चलने बोलने सोचने उठने बैठने बात करने खाने पीने और दोस्ती तक को वो बताए कि ये ऐसा दोस्त होना चाहिए, ऐसा खाना होना चाहिए, ऐसा रहना होना चाहिए, ऐसा माहौल होना चाहिए, ऐसे पड़ोसी होने चाहिए, तुम्हारा सलूक उनके साथ क्या, हर एक जो कुरान आपको बता रहा है आप उसके मुताबिक चलेंगे तो फिर क्या अल्लाह आपको मार देगा। ये आपके साथ हिंदुस्तान है, वो कहते हैं जी मरने के बाद सात मरतबा बंदा फिर ज़िंदा होता है जी, मुख्तलिफ शक्लों के अंदर, लेकिन कुरान कहता है मरे तो वो ना जो काफिर हो। हम जिस्म से रूह के निकल जाने को मौत कहते हैं, ऐसा ही है, जिस्म से रूह के निकल जाने को मौत कहते हैं। आज तक अभी तक ये साइंस फैसला नहीं कर सकी रूह क्या चीज़ है, क्योंकि कुरान पाक का ये बयान है, यसअलूनका अनिर रूह قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا। ये जो रूह है ये तेरे रब का अमर है, और तेरे रब के अमर को मौत नहीं है। हमने इलम जरूर दिया है लेकिन बहुत कम, रूह को आज तक कोई कैद नहीं कर सका। ओ बाबा ये चीज़ तो अभी समझने वाली थी, किसको मौत कहा जाता है। हाँ कुरान कहता है जो महबूब तेरा दीन न समझे, तेरी अजमत न समझे, तेरी शान न समझे, वो ज़मीन के ऊपर चलते फिरते भी मुर्दा है, और जो महबूब तेरे ग़ुलाम हो गए वो ज़मीन के ऊपर हों या ज़मीन के नीचे हों वो ज़िंदा है। शहीद के बारे में कौन नहीं जानता, ये तो है। अब आइए ईमान वाले के बारे में भी रब का कुरान फरमाता है, मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा वहुवा मुमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा। बंदा हो या औरत हो, बशर्ते के ईमान वाला होना चाहिए, मरने के बाद भी हम उसको पाकीज़ा ज़िंदगी अता फरमाएंगे। ये तो ये है ना जी, जारी बात है, आप जब सर से लेके पैरों तक अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलें फिर ये कैसे हो सकता है अल्लाह आपको मार दे, आप ख़त्म हो जाए, मर गया मरदूद, न फातह न दरूद, ना 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 ना, ऐसा नहीं हो सकता। बंदा जींदा होवे या मर्द मोया होवे, दोनों मकाम पर अल्लाह ताला उन लोगों से फैज़ ज़रूर तकसीम करवाता है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह आपको मुझे कुरान हदीस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए।